हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, ECS का मदरबोर्ड है। इसमें प्रोसेसर मॉडल है LG A1155, उसका चिपसेट है H61h2। ये चिपसेट है, तो इसमें DDR3 का रैम लगता है। ओके, चार साटा पोर्ट। तो भाई इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें डिस्प्ले नो डिस्प्ले, डिस्प्ले पूरा ब्लैक है और बीबी नहीं बसता है, मतलब डेड ही चेस समझो। बट फैन वगैरह फिरता है, फैन रन होता है, बट डिस्प्ले नहीं आता है। तो आज वही सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो गाइस देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी अब पावर लगाते हैं, पावर लगाने के बाद पता चलेगा क्या कंडीशन है। ऑन कर देंगे, जैसा कि फैन तो फिर रहा है, फैन फिर रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नो डिस्प्ले। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सर्च करने वाले। हीट हो रहा है, ये भी नॉर्मल हीट हो रहा है, एक बार सप्लाई चेक कर लेंगे। VRM सेक्शन में सप्लाई चेक कर लेंगे, कोर वोल्टेज बन रहा है हमें। मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा, जैसे कि चेक करने के लिए कोर वोल्टेज के लिए कोर वोल्ट मोस्फेट ये रहता है प्रोसेसर के लिए, इसे चेक करना है सबसे पहले। इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं बन रही है, इनपुट वोल्टेज आ रहा है पर कोर वोल्ट बन रहा नहीं है। एक काम करेंगे, प्रोसेसर निकाल के चेक करेंगे, ऑफ करेंगे। कभी कभी क्या होता है, प्रोसेसर शॉर्ट होने की वजह से VRM सेक्शन ऑफ हो जाता है। सप्लाई लगा दिया, फैन ऑन है, चेक करना है। जैसे कि गाइस वोल्टेज आ रहा है और वोल्टेज बन रहा है, वन वोल्ट कोर वोल्टेज के लिए ठीक है। तो ये काम करेंगे, इसमें दूसरा प्रोसेसर लगा के देखेंगे, अगर हो गया है तो ठीक, ऑफ कर देंगे। ऑन करते देखेंगे, सबसे पहले रैम निकालेंगे, ऑन करके देखेंगे। जैसे कि गाइस सिग्नल बन रहा है, बीप बज रहा है, अब रैम लगा के देखेंगे। तो गाइस स्पीकर क्यों लगाते हैं, सिग्नल बन रहा है या नहीं मैसेज के लिए स्पीकर लगाते हैं। तो गाइस ऑन करके देखेंगे, सिस्टम ऑन है, नॉर्मल हीट हो रहा है। ओके गाइस डिस्प्ले आ चुका है,
तो आज मदरबोर्ड ओके हो चुका है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।